सोचा देखो ये बहुत मेहनत करते यार इनकी पगार बढ़ गई है अभी गवर्नमेंट ने पगार बढ़ा दिया है गवर्नमेंट पगार नहीं बढ़ा रही चीजा की चीजा मतलब कंप्लेंट करते तो जो भी देखता रहेगा मोदी तो प्लीज इनकी पगार बढ़ा दो यार करना से पहले बोल रहा हूँ तुम लोगों को सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से जितने हबीब गैंग अपने हबीब गैंग एक काम करते हैं नीचे उतर के बात सो लॉग स्टार्ट करने से पहला मैं तुम लोगों सब लोगों को बोलूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर अपने ये साल का फर्स्ट लॉग है तो फर्स्ट वीडियो अपनी तो मैं सब लोग को अपने हबीब गैंग को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर तो आई होप तुम लोग का 2018 अच्छा गया होगा एंड 2019 भी उससे ज़्यादा बेटर जाना चाहिए यार होप सो उसके लिए तुम लोग मेहनत करो हार्डवर्क करो एंड जो चाहिए आपको वो अचीव करो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ तो अभी रोज के जैसा तुम लोग को पता है रात को हम जल्दी सोते नहीं तो आज रात को नींद नहीं लग रही थी कभी कभी लग जाती है कभी कभी नींद लगती नहीं तो हम कैमरा उठा के बाहर वीडियो बनाने के लिए निकल जाते तो हम अभी वीडियो बनाने के लिए निकल चुके घर से तो मतलब कितना सोने की कोशिश किया तभी नींद नहीं लग रही थी तो सोचा कि फ्रेंड को फ़ोन किया एंड बोला कि चल भाई आ रहा है ओबीसी उसको भी नींद नहीं लग रही थी तो पार्टनर मिल गया तो चलो अभी कैमरा लेके हम लोग किधर घूमेंगे थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे देखते हैं क्या देखने मिलता है तो चलो मेरे फ्रेंड को मैं पहले पिकअप करता हूँ देन तुमको मिलते हैं ठंड बहुत है गोभी खोद देंगे गोभी तो हमारी हो गई पेट पूजा यहाँ पे नाश्ता पानी और चाय पानी सब हो गया है अभी जाएंगे देखते हैं किधर तो चलेंगे किधर जाएंगे रे गोरेगांव आरे कॉलोनी भूत पकड़ने चलो भूत पकड़ने नहीं भाई आरे कॉलोनी जाने की अपनी डेरिंग नहीं है मैं कभी लाइफ में गया नहीं एक्चुअली आरे कॉलोनी की अभी एंट्री बंद हो गई क्योंकि अभी एंट्री जल्दी ज़्यादा मिलती नहीं और एंट्री बंद हो जाती है और अभी अगर जब वहाँ पर तुम यहाँ रहते हो या तुम्हारे पास परमिशन है तभी तुम अंदर जा सकते हो नहीं तो आरे कॉलोनी में तुमको जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे अभी पुलिस भी आती है और एक्चुअली अभी चीता का थोड़ा इंसिडेंस हुआ उसके बाद से आरे कॉलोनी में जाना बंद कर दिया रात के टाइम पे ओके सो प्लीज़ आरे कॉलोनी में मत जाना बहुत रिस्की है जान जा सकती है चलो और है गाड़ी इसमें करेंगे क्या इसमें खड़े रहेंगे तो जब भी तुम लोग लोखंडवाला बैक रोड पे आओगे तो तुम लोग को बैक रोड पे एक कार दिखेगी ये है वो ये कार आप देख सकते हो ये कार होंडा सिटी लाइट पकड़ रहे जरा लाइट ब्राइट कर तो लोगों को देखने दे कार कैसी है क्या है थोड़ी ऊपर कर हाँ बड़ा ऊपर तो ये है लोखंडवाला बैक रोड पे बैक रोड है और यहाँ पे एक कार है
वो दिवाली के टाइम से यहाँ पे ही मतलब सड़ रही ऐसी। ये अच्छी कार थी तो ये कार के साथ में क्या हुआ वो तुम लोगों को बताएगा मेरा दोस्त फारूक। ये कार एक्चुअली दिवाली में बैक रोड पे देखोगे तो सब फटाके जलाते रहते हैं, तो एक रॉकेट उल्टा गाड़ी में ही जल गया और डिक्की में उसके और पीछे फटाके रखे हुए थे तो सब के सब जल गए और पूरी गाड़ी एक साथ ही जल गई। नई नई गाड़ी की मुआविन कर दी। ये गाड़ी एकदम नई नई थी, ऐसी भी नहीं कि पुरानी, दिवाली में ही ली हुई गाड़ी थी ये, इसका तो नंबर प्लेट भी नहीं था, पूरी एक ही टाइम पे गाड़ी जल गई। तो गाड़ी जल गई तो अभी हम लोग ये गाड़ी के साथ में शूट करने वाले, तो चलो शूट करते हैं गाड़ी के ऊपर, थोड़ा अलग अलग पोजेस, थोड़ा अलग कुछ तो मजा आएगी। ठंडी बहुत है, ठंड बहुत है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो मुझे खांसी भी है, खांसी है, खांसी। तो चलो जरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, शूट को शुरुआत करते, थोड़े बहुत फोटो खींच लेते अच्छे अच्छे और 5D से फोटो खींचेंगे तो मजा आएगी यार ऑब्वियसली। तो हमारा फोटोशूट चालू है, गाड़ी के साथ में फोटोशूट करने में मजा आ रही है, बहुत अंधेरा, अच्छा हुआ मैं LED लाइट लेके आया इसलिए फोटो काफी अच्छे आ रहे हैं, तुम लोगों में यहाँ पे फोटो डाल दूंगा। ओके सो फाइनली फोटोज निकल चुकी है और कोका लगा है पैकिंग में, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। वैसे जल्दी मैं भी अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, वैसे तो शायद ये जैन में यही मंथ में कर लूँगा 10-12 दिन के अंदर ही, क्योंकि मैं आउट ऑफ मुंबई एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ अकेला, साथ में तो अभी फ़िलहाल कोई है नहीं अकेला, तो मैं सोचा कि जा रहा हूँ तो स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कंटेंट भी मिलेगा जिससे अपनी भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी करके चल जाएगी। चलो ठीक है, ये देखो इतने सुबह कोई शूट करता है क्या, मतलब सुबह 4 बजे उठ के हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं और भी रस्ते पे एक मतलब भंगार गाड़ी है जली हुई उसके साथ में हम लोग फोटोशूट किए और फोटोशूट काफ़ी अच्छा हो गया फोटोशूट। तो अभी थोड़ा घूमेंगे बैकग्राउंड पे देखेंगे, वहाँ पे तो गाड़ी भी एक भी नहीं दिख रही है एक्चुअली, थोड़ा चाय वाय मारेंगे। एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट मुंबई में सुबह सुबह मुँह से धुआं निकल रहा है, लिटरली धुआं निकल रहा है, अगर लाइट पड़े हाँ देख निकला। दो दो तीन तीन जैकेट पहन के, दो दो तीन तीन टी शर्ट पहन के हम लोग को ठंडी लग रही, इतनी ठंडी है, मुँह से धुआं तुम लोगों ने देखा ही होगा, बहुत हद से ज़्यादा ठंडी है। तो अभी हम लोग जाएंगे नागौरी पे, जो लोखंडवाला का फेमस नागौरी है, वहाँ पे थोड़ा चाय वाय मारेंगे, मस्का वा मारेंगे, एंड फिर लेट्स सी देखते हैं क्या किधर देखने मिलता है, तो वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा। 6 बजे का अपन को टाइम है, अभी बज रहे 5:15 इन द मॉर्निंग। ओके आप लोग बाइक चलाते चलाते अगर यूट्यूब ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग ना कीजिए, ये तो पागल है। नहीं अभी क्या रोड खाली है तो मतलब कुछ एक्सीडेंट होने का संभावना थोड़ी कम है, रोड खाली है तो आप करो, और डे के टाइम पे प्लीज आप थोड़ा अवॉइड करो कि आप ना करें। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, अथॉरिटी ब्रेक। बज रहे 6 और अभी मैं घर पे आ गया है, मतलब अभी शूट है 6:30 या 7 को मेरे को शूट के लिए निकलना है, तो मेरे को नींद तो ज़रूरी है, नींद तो मिलने नहीं वाली अभी, अभी जाके मैं थोड़ा आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगा, फिर मेरे को फटफट लग नहा धो के मुझे शूट के लिए निकलना है। मेरा यहाँ पे जोगेश्वरी ईस्ट में एक वेडिंग शूट है, तो तुम लोग पूरा वीडियो देखते रहो, वेडिंग शूट के बारे में तुम लोगों को बताऊँगा तो तुम लोग देखते रहो, तो मैं अभी डायरेक्ट सुबह मिलूँगा। 2 hours later. चीचा देखो ये बहुत मेहनत करते हैं यार, इनकी पगार बढ़ गई है, अभी गवर्नमेंट ने पगार बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट पगार नहीं बढ़ा रही चीचा की, चीचा मतलब कंप्लेंट करते हैं तो जो भी देखता रहेगा मोदी, तो प्लीज इनकी पगार बढ़ा दो यार। तो मॉर्निंग के 8:30 बजे मैं अभी थोड़ा लेट हो गया है, आधा घंटा शूट के लिए लेट हो गया है, क्योंकि रात में सोया नहीं था, तो 1 घंटा आराम करके मैं नहा धो के निकला यहाँ से, तो अभी जा रहे हम लोग जोगेश्वरी ईस्ट में मांगल्य हॉल में, मेरा वहाँ पे शूट है वेडिंग शूट, तुम लोगों ने बताया था रात को, तो चलो अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी अभी,
तो फटफट 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। शूट चालू हो गया है, जो देख सकते हो मांगल हॉल में है। मैं यहाँ पे शूट चालू हो गया है, तो मेरे फोटोग्राफर वहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल कोई क्राउड आए नहीं, तो सब विधि जो भी रिचुअल्स है मराठी वेडिंग में जो रिचुअल्स है वो सब चालू है। तो बस क्राउड आने का इंतज़ार है। मैं थोड़े बहुत फोटोज़ खींच लिया, पोर्ट्रेट वगैरह खींच लिए मैं, तो आ गया अभी थोड़ा टाइम वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले जाके नाश्ता करूँगा और चाय पीऊँगा। चाय भी नहीं पिया मैं घर पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं शूट करके आया तो बहुत बहुत थक गया। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी? अभी 3:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठ रहा हूँ। कल मैं रात में शूट करके आया तो इतना थक गया ना बॉस, तो जाके डायरेक्ट सो ही गया। तो डायरेक्ट मैं सुबह उठा तो बोला लॉग में आफ्टरनून में कंटिन्यू करता हूँ। तो बात ये है कि मुझे ये बात बता रही थी कि मतलब इतना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं था। मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, 10-15 दिन हो गए, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत शूट्स है अभी। अब मेरे जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उन लोगों को पता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर। लाइक इवेंट्स के भी शूट्स करता हूँ, वेडिंग्स के भी शूट्स करता हूँ। अगर आपके भी घर में किसी की भी तो वेडिंग है, कुछ फंक्शन है, कुछ इवेंट है, कुछ बड़ा इवेंट है, तो मतलब तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे फोटोग्राफी के लिए। लाइक मतलब पूरा शूटिंग का, लाइक ड्रोन, क्रेन, जिमी, एनीथिंग जो तुम लोग को चाहिए, जो फोटोग्राफी में लाइन में जो भी होता है, सिनेमैटिक वीडियोस, फोटोज, जैसा चाहिए वैसा, मतलब स्टूडियो लाइन का मैं सब कुछ करता हूँ, वो मेरा मतलब बिजनेस है। तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे दी है मेरे, तो तुम लोग मेरे को कांटेक्ट करो। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब सीजन है, तो बहुत ज़्यादा वेडिंग्स होती रहती है, तो तुम लोग को मेरा काम देखना होगा। तो मेरे को तुम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैं तुम लोग को पूरा काम बता दूंगा। बस यही बोला जाता था, यही छोटा सा एक वीडियो था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम लोग नए तो सब्सक्राइब करके आना, जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का वो दबा दो, एंड बाजू की जो घंटे वो दबा देना। बस टिल देन स्टे सेक्सी हबीबी, बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट है, तो थोड़ा समझ के लो यार सब्सक्राइबर लोग, प्लीज कोऑपरेट करो, वीडियो आएगी अच्छी अच्छी आगे।